नमस्कार मित्रों, ये खेत की जुताई श्याम जी ने की है अपने इस मिनी ट्रैक्टर से। और ये खेत है तो भाई साहब से अभी बात करने पर ज्ञात हुआ कि ये अपने इस खेत में ग्रीष्मकालीन खीरे की खेती करना चाहते हैं। और इसमें खीरे की खेती के साथ साथ ये भाई साहब अपने खेत में तरोई भी लगाना चाहते हैं, तो तरोई और खीरे की मिक्स खेती ये करना चाहते हैं। वैसे खीरे की प्योर खेती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भाई साहब खीरे के साथ में तरोई की भी मिक्स खेती करना चाहते हैं। और इन्होंने एक खेत तैयारी कर ली है, तो आइए जानते हैं कि ये खेत में क्या क्या डालेंगे ताकि खेत की उपजाऊ क्षमता बनी रहे और बहुत अच्छा पैदावार हो। तो इन्हीं भाई साहब से देखते हैं, समझते हैं, बताते हैं क्या भाई साहब बताना चाहते। तो भाई साहब, ये ट्रैक्टर आप ही का है? जी भाई साहब। अच्छा, मैंने खरीदा था। अच्छा अच्छा, तो ये जो खेत आपने तैयार किया है तो इसमें क्या लगाना चाहते हैं भाई साहब? इसमें हम खीरा और तुरई बोना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या डालेंगे इस खेत में आपने, जो कि खीरे की मतलब पैदावार और बढ़िया अच्छी हो? देखिए, अभी इसमें हमने जो है 6 बिसवा खेत है। हाँ। इसमें हमने 20 किलो DAP डाली है। अच्छा, 5-6 किलो हमने इसमें नाइट्रोजन डाली है। नाइट्रोजन मतलब यूरिया डाली है। हाँ। और अभी इसमें हम डालेंगे, एक दवा आती है जिसे कीड़े मकौड़े न लगे, और 4-10G। हाँ, 4-10G डालेंगे। हाँ, जहाँ पे हम नाली चीरना होगा। हाँ हाँ, जिससे मतलब जी जी यूरिया में मिला के, और इसको बाद में नाली से चीर देंगे। हाँ। जैसे नाली चीर देंगे। हाँ। और चीरने के बाद उसमें पानी भरेंगे। हम वैसे प्रक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं बताते चलते, ताकि आगे जब हम कोई कार्य करें तो आप उसको समझ ले विधिवत कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये डालने के बाद में इधर थोड़ा सा चेहरा इधर कीजिए भाई साहब, उधर लाइट है। नाली चीरेंगे। नाली चीरने के बाद अभी फिर उसमें मैं नाली के टुकड़े करने के बाद पानी लगाएंगे। उसमें नाली में पानी जो भी लगाएंगे, इतना लगाएंगे कि नाली जो है उसके आधा ही हाफ एरिया में पानी रहे, ऊपर न चढ़े, क्योंकि ऊपर चढ़ जाएगा फिर नालियाँ बैठ जाएंगी। उसके बाद फिर मतलब खीरे की? हाँ, उसके बाद हम जो है खीरे बोएंगे, एक 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 साइड में खीरा, दूसरी साइड में तुरई। अच्छा अच्छा, तुरई जो बोएंगे 10 दिन लेट बोएंगे, खीरा जो बोएंगे तत्काल बो देंगे, क्योंकि अच्छा अच्छा मतलब तुरई की जो बुआई करेंगे वो खीरे के बाद करेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी तो फिर उसमें फिर फल आने में दिक्कत होगी और तोड़ने में दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि दोनों जो हैं वो लता वाली फसलें हैं, बढ़ने वाली फसलें, एक साथ संतुलन हो जाएंगी, इसलिए फिर नुकसान हो जाएगा हमारा, लाभ की बजाय लॉस हो जाएगा। इसलिए हम जो है 15 दिन या 10 दिन का डिस्टेंस रख के तोड़ेंगे कि 10 दिन में खीरा टूट जाएगा, तो उसके बाद तुरैया हमारी चलेंगी। चलिए, बहुत अच्छा। वैसे हम आपको एक और सलाह देना चाहेंगे, यदि कीड़े मकोड़ों की समस्या आपके खेत में है तो आपके गांव में यदि नीम की पत्तियां यदि मिल जाएं आपको, तो 10 किलो 5 किलो जो भी कोई मात्रा इसमें निश्चित नहीं है, अब जितनी भी नीम की पत्तियां यदि मिल जाएं तो थोड़ा सा उनको पिटाई पिटाई करके यदि आप अपने खेत में बिखेर करके जुताई के समय बिखेर देंगे तो जो ज़मीन से होने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। अभी तो समस्या यह है कि हमारा खेत एकदम तैयार हो चुका है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और इसके अलावा यदि नीम की खली, यदि नीम ऑयल भी अगर कहीं आपको मिल जाए तो अगर खेत में तैयारी के समय यदि डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यदि उसके साथ में आपको गोबर की खाद से, आपका खेत छोटा है, यदि चाहे तो मिल जाए, तो गोबर की खाद यदि आप अपने खेत में मिला देंगे तो जो आपके गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, तो जो आपके जो खीरे की फसल है, जो पौधे है, तुरई है, वो बिल्कुल एक समान आकार की और मार्केट में अच्छे उच्च मूल्य वाली पैदा होगी, निकलेगी। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं, वो गोबर की खेत हमारे वहाँ मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, उसको मैं जब नाली चीरूंगा तो उसके बाद में। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।